हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है अनुज और आप देख रहे हैं फायर यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं माइनक्राफ्ट के और एक न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ मैजिकल कारपेट मोड। तो इसमें प्ले करने को आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आप कारपेट पे बैठ के आराम से फ्लाई कर सकते हो, ना ही कोई राइटर की जरूरत लगेगी आपको। तो इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। मैंने इसको इस्तेमाल किया तो गाइस मुझे बहुत ही मजा आया था। तो गाइस, इसको फ्लाई करने के लिए आपको कारपेट को टेम नहीं करना पड़ेगा, सिंपली कारपेट के पास जाने का, यहाँ पर राइड करने का ऑप्शन आता है तो उसके ऊपर राइड करने का है। जैसे आप ऊपर की तरफ उसको करते तो ऊपर की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे जाएगी। तो देख सकते गाइस, अभी मैं नीचे देखूंगा तो नीचे जाएगी गाइस। तो आपको बहुत ही मजा नहीं आएगा, उसको उड़ाना भी बहुत सिंपल है गाइस। तो देख सकते गाइस कितना आसान है इसको उड़ाना। तो आपको जिस तरफ जाने का उस तरफ देखने का गाइस आपको सिंपली, और आपको एकदम तेज से जाने का है तो आपका जो चलने का बटन है उसको दबाने का गाइस। देख सकते आप, मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ, तो इसको नीचे उतरना भी बहुत आसान है। तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है इसको प्ले करने में, क्योंकि इसको उड़ाना बहुत ही आसान है, रेटर से भी ज़्यादा आसान है इसको उड़ाना। तो मुझे इसलिए बहुत मज़ा आता है गाइस इसको उड़ाने के लिए। तो गाइस, इसको डाउनलोड कैसे करने का, उसका डाउनलोड प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखो। इसका डाउनलोड प्रोसेस बताने से पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो गाइस, चलो इसका डाउनलोड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको कमेंट में एक डाउनलोड लिंक देखने को मिलेगी, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते तो एक वेबसाइट ओपन होगी। सिंपली गाइस, फाइल को ऐसे डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, मैंने फाइल को पहले से ही डाउनलोड किया तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से। तो गाइस, जैसे आप फाइल को डाउनलोड करते तो हम हमारे मोबाइल के होम पेज पर आ जाते हैं। तो मोबाइल के होम पेज पर आने के बाद आपको अपना ZRC ऐप ओपन करने का है। ZRC ऐप में आपने जिस फोल्डर में उसको फाइल को डाउनलोड किया उस फोल्डर को ओपन करने का है। तो यहाँ पर फ्लाइंग कारपेट के ऊपर क्लिक करने का है। तो गाइस, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं, तो जैसे ऊपर यहाँ पर एरो का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पर उसके ऊपर दबाने का आपको, तो माइनक्राफ्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसके ऊपर क्लिक करने का है। तो मैं माइनक्राफ्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारा माइनक्राफ्ट ओपन होगा गाइस। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा माइनक्राफ्ट ओपन हो रहा है गाइस। तो इसको ओपन होने देते गाइस, अभी देख सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करने का, माइनक्राफ्ट ओपन होने के बाद आपको उसके ऊपर प्ले करने का है। तो माइनक्राफ्ट अभी तक ओपन नहीं हुआ, बहुत टाइम लगाता है। तो प्ले करने का आपको सिंपली, तो कैसे आप पुराने वर्ल्ड में भी आप प्ले कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं नया वर्ल्ड बना रहा हूँ और आप पुराने वर्ल्ड में भी जैसे प्ले करते हैं आपको वैसे प्ले करने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं नया वर्ल्ड में आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको रिसोर्स पैक में जाने का, यहाँ से माई पैक में जाने का और इसको एक्टिवेट कर लेने का यहाँ से। तो बिहेवियर पैक में जाके उसको माई पैक में जाके इसको भी यहाँ से एक्टिवेट कर लेने का। तो गेम में जाने का आपको, यहाँ पर जाके आपको एक्सपेरिमेंट में सब चीज़ें को ऑन करने के, तो गेम में जाके एक्सपेरिमेंट में जाके सब चीज़ें को ऑन कर लेना। तो जैसे सकते गाइस, यहाँ पर सब पांचों के पांचों चीज़ों को ऑन करने का। और गाइस, यहाँ पर हम लोग क्रिएट करते, तो गाइस जैसे आप क्रिएट करते तो गाइस यहाँ पर आपको एक वर्ल्ड, क्या होते हैं, वर्ल्ड जनरेट होना स्टार्ट होएगा। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी थी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जैसे वर्ल्ड आपका रोडिंग होता है तो आप जाके आराम से प्ले करना। तो बाय बाय।